ऐसे सुनते थे, मगर ये तो लीपा पोती करना है, अपने कुसंस्कारों को एक महिमा मंडित करने वाली बात है। असलियत यह है, मैं नहीं कह रहा, ये सारा इतिहास भरा पड़ा इन्हीं का, हमारा नहीं। उसमें जब महिला विवाहित होकर आती थी तो पंडित जी के या ठाकुर जी के घर में दो तीन दिन रहती थी, ठाकुर जी उसके साथ संभोग करके उसे पवित्र करते थे, तब जा करके वो अपनी गृहस्थी बनाने लायक होती थी। इतना अनाचार, धर्म के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार, और ये तो जगह 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 भरे पड़े हैं इसके संदर्भ। अभी हमने एक किताब छापी दलित महिलाओं पर, उसमें एक आर्टिकल एक विद्वान लेखक का है, उत्तर प्रदेश के हैं, उसने इसी समस्या पर कहानी लिखी है। वो उसके यहाँ परिवार की जो महिलाएं आती थी पहले, वहाँ ठाकुर जी के यहाँ जाती थी, और जब उसकी खुद जो नायक है उस कहानी का, जब उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी आती है तो उसको पता था वो पहले ठाकुर जी के घर जाएगी, तो वो खुद ही वो जो आदमी था अपनी पत्नी के कपड़े पहन के वो दुल्हन बन गया और वो उनके यहाँ चला गया, ठाकुर जी के यहाँ चला गया। ठाकुर जी दारू पी पा के तैयार होकर के जब वो आते हैं तो उसमें जैसा लिखा है ना, उसने हथियार लेकर के उसका औजार ही काट दिया और वहाँ से फरार हो गया। उन्होंने उसकी पहली तैयारी कर रखी थी। अब ये विद्रोह के स्वर फूटने लगे हैं, ये पुरानी मान्यताएं अब धराशायी होने लगी हैं। हमारे अज्ञान पर ये सारा इनका तंत्र टिका है। जिस दिन हम लोग ज्ञान से अपना रास्ता जोड़ लेंगे उसी दिन ये अनर्थकारी सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ये बेड़ियाँ हमारे पैरों में डाल दी गुलामी की निशानी और हमको बहका दिया, इसमें बड़ी बरकत होती है, ये बड़ा एक्यूपंक्चर का माध्यम है, इससे पैर की नसें दबती हैं तो आप स्वस्थ रहते हो। अरे सारे करोड़ों पहनने वाले कैंसर से मर रही हैं, दवे से मर रही हैं, डायबिटीज से मर रही हैं, और जो लोग ये कुछ भी ड्रामा नहीं करते, ये भारतवर्ष से बाहर निकलते ही इनकी पोल खुल जाती है। कैसे पोल खुल जाती है? अब क्या कहते हैं भारतवर्ष में, भारत माता की जय। अरे तुम यार कोई नारा बनाओ, कोई ढंका बनाओ ना, अकल से काम करो ना, क्यों पागलपन करते हो? भारत माता की जय, ऐसा ऐसा करो ना जैसे बुद्ध ने कहा, बहुत सब मंगलंग, सबका भला हो। कौन नहीं चाहेगा भला, करना भी चाहेगा, भला करवाना भी चाहेगा। तुम करो भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय तुम पाकिस्तान में कर दोगे क्या? नहीं कर सकते। अमेरिका में भारत माता की जय चल जाएगी? नहीं चल सकती। नेपाल में नहीं चल सकती, तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया में नहीं चल सकती, तुम्हारी भारत माता की जय भारत में ही होगी। तो तुम तो कुएं के मेंढक हो और अपने आप को कहते हो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये सब बेकार की बातें हैं, जनता के कल्याण की सोचो, और जनता का कल्याण होगा तो देश का विकास होगा, और देश का विकास अगर तुम नहीं कर सकते तो अपने जाओ जंगलों में ऋषि मुनियों के पास जहाँ पर वो रहते थे, वहीं पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वहीं पर तुम्हें शांति मिलेगी। अब शहरों में ये बहुजन समाज आ रहा है, बड़ी मजबूती से आ रहा है, देश की शासन और सत्ता भी संभालेगा और देश की अकल को ठिकाने भी लगाएगा। अकल ठिकाने का मतलब ये है अंधविश्वासों से मुक्ति दिला करके बुद्धिवाद के रास्ते पर चलना सिखाएगा। हम अपने रास्ते चलना चाहते हैं, किसी की उंगली पकड़ के चलने में हमारा कोई कल्याण नहीं है। हमें हमारे बहुत मुक्तिदाता मिल गए हैं, उनका कल्याणकारी मार्ग मिल गया है, भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध के मार्ग पर आने में, उनके धर्म में आने में व्यक्ति अपने सामर्थ्य को जगाता है। अत्तो दीपा भव, अपना दीपक आप बनो। आप अंधेरे डगर पर जा रहे हो तो कोई दूसरा आपको रास्ता नहीं दिखाएगा, खुद ही अपने ज्ञान से अपना रास्ता बनाओ, अपनी रोशनी पैदा करो और चल दो। सबसे बड़ा आभूषण मैं दीपक को मानता हूँ, सबसे बड़ा अलंकार मैं दीपक को मानता हूँ, और ये जो बहुजन समाज है इसे दीपक से बहुत कुछ सीखना है। दीपक क्या है? हम क्या कहते हैं? दिया जल रहा है, दीपक जल रहा है। क्या दीपक क्या जल रहा है? दीपक तो मिट्टी का होता है, वो जल रहा है क्या? नहीं, तेल जल रहा है, रूई की बाती जल रही है, और कह रहे हैं दीपक जल रहा है ना, तो तेल को परेशानी कि जल तो मैं रहा हूं, मेरा नाम नहीं बोला जा रहा, ना उस बाती को परेशानी, वो ये नहीं कहती कि जल तो मैं रही हूं, नाम दीपक को हो रहा है, दीपक को कोई परेशानी नहीं। तीनों सुर ताल में चलते हैं और अंधेरे को फाड़ने का काम करते हैं। ये मेरे बहुजन समाज को सीखना है कि ये जो श्रेय के चक्कर में हम अपना आंदोलन खराब कर रहे हैं उससे बाज आवें और एक दूसरे के प्रति मिल करके, एक दूसरे के साथ मिल करके अपना लक्ष्य प्राप्त करने की तरफ अपना ज्ञान केंद्रित करें। जैसे कि आज उत्तर प्रदेश में जितना बहुजन समाज है सारा संगठित हो गया है, सारे शूद्र निकल कर आ गए हैं, बैकवर्ड निकल कर आ गए हैं, अछूत निकल कर आ गए हैं, हिमालयन बेल्ट की आदिवासी जातियां निकल के आ गई हैं, और गठबंधन के माध्यम से अपना गौरवशाली अतीत जो अभी हमारे दुश्मनों के पास कैद था, अब हम उसे आजाद करा के
सुख की चैन की सांस लेना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। हमने औरों की बहुत राजनीति की, आज समय मिला है अपनी राजनीति करने का, तो चूक मत जाना। एक एक वोट से ही जात और हीरो हार और जीत होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी ना, एक वोट से गिरी थी। आप जाना पोलिंग बूथ पर जाना और ये मत देखना मेरा पक्ष दुर्बल है कि प्रबल है। खाली आपको अपनी विचारधारा के लिए, अपनी विचारधारा पे वोट डालना है, उनको मत देना है और फिर आप देखना। हाथी का जो चरित्र है ना, उससे भी हमें सबक लेनी है। हाथी कितना बड़ा आदमी से, ये मेरी छत के बराबर हाथी होता है, मगर आँख कितनी बड़ी है मेरे जितनी। इतना बड़ा जानवर, उसे अपनी शक्ति का पता ही नहीं है। ऐसे ही ये मेरा समाज है, बहुजन समाज, इसे अपनी शक्ति का पता ही नहीं है। वो 500 रुपए के नोट में खुश है, दारू के पौवे में खुश है, मंगलसूत्र में खुश है। उसे पता ही नहीं है कि तू अकल का काम करेगा तो तू तो खुद मंगलसूत्र की फैक्ट्री लगा देगा, साड़ियों की फैक्ट्री लगा के दुनिया में पहुंचा देगा। इसलिए अकल से काम लेना है। राजनीति में स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। जो लोग स्वार्थ की राजनीति करते हैं, अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये जो 16 श्रृंगार की बात है ना, खाली 16 श्रृंगारों तक ही सीमित नहीं है बेटे। इस जब बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाती है। आज हमें कुल मिला करके अपने सामर्थ्य के बल पर अपने समाज को, अपने समाज की सोच को, अपने समाज के पराक्रम को, अपने भविष्य को संवारने के काम में लगाना है। इससे अच्छा कोई दूसरा काम हो नहीं सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं SM TV के प्रति बेटे सरिता कुमार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।